हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पे एक अच्छी बात ये होती है कि यहां पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है। यानी अगर आप इस तरीके से लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, इस ट्रिक के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपके YouTube चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आप तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियोस बना दिया है कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पे तेजी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई कार्ड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर के उस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये कौन सा ट्रिक है जिससे आप 0 सब्सक्राइबर्स में, यानी अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है फिर भी आपको कैसे लाइव स्ट्रीम करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, आपको पूरे ध्यान से यहाँ पे देखना है और समझना है और पूरे स्टेप को आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ क्रोम ब्राउजर को। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको YouTube का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर अगर आप यहाँ पे YouTube.com भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से YouTube को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज यहाँ पे रिलोड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चैनल का जो लोगो आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपने YouTube चैनल को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से तुरंत से अपने YouTube चैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल को लॉगिन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, ऊपर में आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट के जैसा यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड वीडियो और सेकंड है गो लाइव। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक नया इंटरफेस आ जाएगा। आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, तभी आपको पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनेबल का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल को यहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको पता नहीं कि मोबाइल नंबर से कैसे वेरीफाई करना है तो दोस्तों, इस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ऊपर आई कार्ड में वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे अपने YouTube चैनल को, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको फिर से क्रोम ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा उसी YouTube चैनल को जिसमें आपको 0 सब्सक्राइबर्स या फिर 1000 से कम सब्सक्राइबर्स है। उसके बाद वहाँ पे आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करके गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको 24 घंटे वेट करना है। और दोस्तों, जैसे उस चैनल पे, यानी जिसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, 24 आवर कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, ये मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने न्यू YouTube चैनल को ओपन कर लिया है। और दोस्तों, इसमें भी 1000 से कम सब्सक्राइबर्स है, इसमें 255 सब्सक्राइबर्स है, यानी 255 इसमें सब्सक्राइबर्स है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो 24 आवर का जो वेट करने के लिए बोलता है, यहाँ पे मैंने वेट कर लिया है और यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि इसमें अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं YTS स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसी YouTube चैनल को यहाँ पे YTS स्टूडियो एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स इसमें 255 है, यानी 255 सब्सक्राइबर्स इसमें है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस YouTube चैनल का नाम है फॉर यू लव। तो दोस्तों, मैं यहाँ से फिर से मैं उसी एप्लीकेशन में, यानी क्रोम ब्राउजर में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड में जो 3 डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट में आपको स्विच कर लेना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच हो चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो प्लस का आइकन मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है गो लाइव का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट ये टाइटल का ऑप्शन मिलता है, यानी आप अपने लाइव स्ट्रीम का टाइटल क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कुछ भी रख देता हूँ, यहाँ से मैं TSS रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक का, यानी आप अपने लाइव स्ट्रीम को अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप प्राइवेट भी रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक पे सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नॉट इट नॉट मेड फॉर किड्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ थंबनेल क्रिएट कर लेता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गो लाइव का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे चालू होने वाला है। मैं यहाँ पे वीडियो को कट नहीं करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा तो आप लोग को लगेगा कि मैं यहाँ पे फेक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉर यू लव यूट्यूब चैनल को सर्च करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जीरो सब्सक्राइबर्स में, यानी अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 से कम सब्सक्राइबर्स है तो कुछ इस तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाया और यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी यूज नहीं करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बताइएगा नीचे कमेंट करके कि ये जो ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।